और जब जीत के जाएंगे तब हमारा क्षेत्र विकास करेगा। चूंकि केंद्र में इनका ससुर मंत्री है भारत सरकार में, अब बिहार सरकार में इनका हस्बैंड मंत्री हैं, तो एक कड़ी ये भी जुड़ जाएगा तो हम लोग के विकास में किसी तरह का रोड़ा नहीं आएगा। जनता का पूरा प्यार मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा, वो 13 तारीख को रिजल्ट पता चल। आज कौन कौन बाजार में रोड शो होने वाला है दिलीप जायसवाल के आने पर? महिला को एकदम जिता के भेज देना कड़ाई कड़ाई छाप के विधानसभा में, कहना क्या है। और हमारे दीपा मांझी तो जीत गई है, अब इसको के हरा रहा है? जीत गए हैं जी एकदम, हाथ में माला लिए हुए, विजय का माला है, विजय का माला है ये, है ना। हाँ, जिसको आशीर्वाद देंगे ना, वो आशीर्वाद मेरा पड़ जाता है। देखिए हमारे पीछे हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित है। आपको जानकारी के लिए बता दे कि यहाँ आज बड़ा मंत्री आने वाले हैं, एनडीए प्रत्याशी दीपा मांझी के रोड शो में, आज इमामगंज में रोड शो है। हम जानना चाहेंगे यहाँ आज लोग उपस्थित हैं, यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ अर्जुन पासवान। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से एक मंत्री आ रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, और इन लोग के भी बताएंगे जो देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग के यही कहना है, एक सूत्री अभियान है, हाँ, कि हम लोग के एनडीए के हर हाल में मजबूत करना है और दीपा मांझी को जीता करके असेंबली में भेजना है, और अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन पर दबाव बनाएंगे, और जब जीत के जाएंगे तब हमारा क्षेत्र विकास करेगा। क्योंकि केंद्र में इनका ससुर मंत्री है भारत सरकार में, अब बिहार सरकार में इनका हस्बैंड मंत्री हैं, तो एक कड़ी ये भी जुड़ जाएगा तो हम लोग के विकास में किसी तरह का रोड़ा नहीं आएगा। इसलिए हम लोग के सोच ऊपर का, हम लोग नीचे नहीं देख रहे हैं, और हम लोग जात पात पर नहीं हैं, हम लोग एक समाज पर हैं और विकास पर वोट दे रहे हैं। जैसा कि आप बताएं कि हमारा आपका सरनेम में पासवान लगा हुआ है, और जन सुराज से एक भावी कहा जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी कैंडिडेट हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए हम व्यक्तिगत किसी पर नहीं उंगली उठाएंगे, लेकिन जिस पार्टी से जितेंद्र पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी का उम्मीदवार हैं, वह पार्टी एक बिजनेसमैन है, वो राजनीतिक पार्टी नहीं है। वो जहां भी रहा है, उनका जो राष्ट्रीय नेता कहिए, उनका ई चलता है, बिजनेस चलता है, वो पैसा लेकर के दूसरे पार्टी से पैसा लेकर के एनडीए के वोट काटने के लिए उसको खड़ा किया गया है, एनडीए के वोट काटने के लिए खड़ा, हाँ खड़ा किया गया है, लेकिन एनडीए का वोट एक भी नहीं उसको मिलने जा रहा है। हो सकता है कि उनका जमानत फॉरफिट नहीं हो जाए, जमानत जब्त होने वाला, हाँ जमानत जब्त। देखिए और भी हमारे साथ नेता कहने पीछे है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा उपेंद्र प्रजापत नाम है। उपेंद्र प्रजापति जी जी, क्या कहना चाहेंगे? अति पिछड़ा समाज का वोट किधर जा रहा है? अति पिछड़ा समाज का वोट जो है एनडीए को देखकर जो है सभी कड़ाही छाप में जीताराम मांझी के पुतोह दीपा भारती की ओर जा रहा है। हाँ। जी सब कड़ाही छाप में जी, कड़ाही छाप। दिलीप जायसवाल जी आ रहे हैं यहाँ, वो हम लोग के साथ रहे आ रहे हैं, तो क्या हम लोग सब कड़ाही छाप को वोट देंगे? अच्छा, देते हैं। आज इमामगंज में रोड शो होने वाला है, कौन कौन बाजार में होगा? यहाँ से इमामगंज जाएगी, इमामगंज सरानीगंज होते हुए और डुमरिया की ओर में जाएगी रोड शो। जी इमामगंज रानीगंज डुमरिया जी, इन सभी जगह रोड शो होगा जी, है ना। और भी हमारे साथ आइएगा, जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, और यहाँ के लोग हैं काफ़ी के संख्या में। देखिए यहाँ आज दिलीप जायसवाल जी आने वाले हैं, और यहाँ नेतागण उपस्थित हैं, बीजेपी के, लोजपा के, एनडीए के सभी नेता यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार शाह। इंद्रजीत कुमार शाह, क्या कहना चाहेंगे? दिलीप जायसवाल जी आ रहे हैं आज रोड शो में, कहना चाह रहे हैं कि हम लोग उनके पीछे पीछे रोड शो में शामिल हैं, और हम लोग एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, और दीपा मांझी के लिए हम लोग वोट का एकदम मतलब संयोजक बन गए हैं। देखिए गीत गाया जा रहा है, कैमरामैन से कहेंगे आएंगे और आपको हम प्रत्याशी से मिलवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए थोड़ा सा रुक जाइए दीदी, आज दिलीप जायसवाल जी आ रहे हैं, आज प्रचार का अंतिम दिन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले आ रहे हैं दिलीप जायसवाल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत किए हैं सारे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बहुत मेहनत किए हैं,
ग्रामीण जनता इमामगंज के जितने भी हैं वो सब भी बहुत मेहनत किए हैं, प्यार दिए हैं, सम्मान दिए हैं। और 13 तारीख को पता चलेगा कि जनता मेरे लिए क्या की है। वो क्या उसको कह सकते हैं, जनता का पूरा प्यार मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा, वो 13 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा। आज कौन कौन बाजार में रोड शो होने वाला है दिलीप जायसवाल के आने पर? ये रानीगंज और इमामगंज। रानीगंज और इमामगंज में जी। देखिए हमारे साथ प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी से हम जानना चाह रहे थे आज रानीगंज और इमामगंज में रोड शो होने वाला है, इस मौके पर दिलीप जायसवाल जी आ रहे हैं, और भी यहां के लोगों से हम जानना चाहेंगे, प्रत्याशी से जानवे किए, और यहां महिला को टिकट दिया गया है तो हम महिला लोग से भी जानने के प्रयास करें। क्या नाम हुआ? बिमला शर्मा। क्या कहना चाहेंगे, आज केंद्र से नेता आ रहे हैं दिलीप जायसवाल जी और यहां से प्रत्याशी हैं दीपा मांझी जो कि महिला हैं और आप भी महिला हैं, तो क्या कुछ होने वाला है इमामगंज में? महिला को एकदम जिता के भेज देना कड़ाई छाप के विधानसभा में, कहना क्या है। और हमारे दीपा मांझी तो जीत गई है, अब इसको के हरा रहा है? जीत गए हैं जी एकदम, हाथ में माला लिए हुए, विजय का माला है, विजय का माला है ये, है ना। हाँ, जिसको आशीर्वाद देंगे ना वो आशीर्वाद मेरा पड़ जाता है। दिलीप जायसवाल के आगमन पर क्या कहना चाहेंगे दिलीप जायसवाल जी को? दिलीप जायसवाल जी के क्या कहेंगे कि दीपा जी को मदद कीजिए, दीपा जी को जिता करके माला पहना करके भेजिए हुआ विधानसभा में। कितना हजार वोटों से जीत होगा इमामगंज में? जी 30,000 से जरूर लीड करेगी। 30,000 से जी। आपको बता दे साथियों कि इमामगंज में थे और इमामगंज में प्रत्याशी से भी आपको मिलवाएं, यहां के लोगों के कहना है कि लगभग 30,000 वोटों से जीत होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, इमामगंज के हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि किसका पलड़ा भारी है। मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।